hello friends so hope all of you are doing well in today's session we are going to discuss a poem by philip larkin from british poetry of mag one toads so it's a very important and interesting poem at the same time considering the fact that this question 2019 june term and examination so today we are going to do the complete analysis and we will break it down and understand the entire poem stanza wise so without any further ado let's move on to it सो बेसिकली टोर्स कंप्राइजेस नाइन फोर लाइन्स टेंजास विथ एन ए बी ए बी राइम स्कीम नाव गायस मैंने अपने पिछले वीडियोज में ए बी ए बी या ऑल ओवर राइम स्कीम्स को एक्सप्लेन किया है जो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं ब्रिटिश पोर्ट्री के ऊपर प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जाके वो वीडियोज डेफिनेटली देखिए ताकि आप लोग को राइम स्कीम के बारे में समझ में आ जाए तो यहाँ पे हावर देर इज ऑनली वन ट्रू राइम इन द होल पॉइम ठीक है जो सिक्स टेंसा है इस पोएम का वहां पे ही फुल राइम हम लोग को देखने को मिलेगा इनफ और स्टफ के वर्ड्स में विद ऑल द रेस्ट बिंग हाफ राइम्स एट बेस्ट द इफेक्ट ऑफ दिस इज टू गिव द पोएम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर बट नॉट टू मच सो द पोएम स्टार्ट विथ टू क्वेश्चन बेसिकली इट गोज ऑन समथिंग लाइक दिस वाई शुड आई लेट द टोड वर्क स्क्वाट ऑन माई लाइफ ये पहला क्वेश्चन है कांट आई यूज माई विथ एज अ पिच फॉक एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ और ये दूसरा क्वेश्चन है तो इस पोएम के पहले पैराग्राफ में जो ऑथर हैं जो पोएट है फिलिप लार्किन जो बेसिकली एक ट्वेंटी सेंचुरी मिड ट्वेंटीथ सेंचुरी के फेमस पोएट नॉवलिस्ट और लाइब्रेरियन है बेसिकली इन्होंने एक सवाल पूछा है दो सवाल पूछा है तो इन द फर्स्ट टेंस ऑफ दिस पीस द स्पीकर बिगीन्स बाय आस्किंग रीडर ए रिटोरिकल क्वेश्चन ही इज एक्सप्रेसिंग इस अनहैप्पीनेस विद द टोड वर्क And how it seems as though he is supposed to let it squat on his life. It is clear from the first lines that a toad is not a physical animal. Instead, it is used as a metaphor to represent the pressures of the world and how work and obligations are always there. He goes on to ask the second question. Larkin's speaker has an idea that should be able to use his wit.

ये एक एम्फीबियन एनिमल है और यहाँ पे जो यहाँ पे, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इज यूज एज अ मेटाफर तो पहले लाइंस में लिखा गया है कि वाई शुड आई लेट द टोड वर्क स्क्वाट ऑन माय लाइफ तो यहाँ पे ऑथर जो ये समझ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनका लाइफ जो है उनका जो काम है जॉब है वो कितना मोनोटोनस है ठीक है वो पूछते हैं आखिर दो लाइन्स में कि कांटा यूज माई वेट एज अ पिच वॉक एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ तो विट का मतलब होता है कि शेयर इंटेलिजेंस वो बोलते हैं कि क्या मैं अपना इंटेलिजेंस यूज करके इस ब्रूट को अपने लाइफ से भगा नहीं सकता इस मोनोटनस जॉब को अपने लाइफ से खत्म नहीं कर सकता द सेकेंड पैराग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस सिक्स डेज ऑफ द विक इथ सॉइल्स विथ इट्स सिकनिंग पॉइजन जस्ट फॉर पेइंग ए फ्यू बिल्स दैट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो अभी जो लोग जॉब करते हैं, वो लोग रिलेट कर पाएंगे इसे यहाँ पे एक्चुअली जो नाइन टू फाइव रेगुलर जॉब है जो मंडे टू सैटरडे होता है उसके बारे में बोला जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल वर्क प्रेशर है उसको एक टोट के साथ कंपेयर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे वो काम ऑथर के लाइफ में एक पॉइजन की तरह स्प्रेड हो रहा है और वो भी क्यों जस्ट फॉर पेइंग ए फ्यू बिल्स आप जॉब क्यों करते हो टू पे योर बिल्स राइट घर का फेयर हो गया रेंट हो गया या अपना व्हीकल का लोन हो गया या टू Survive and to you know to thrive, hamloko kam karna to pay or pay our bills. Again, that is going out of proportion. In the second stanza, larkin speaker describes the six days of the week that the toad or work plagues him. It soils his life, his thoughts, and his emotions with a sickening poison. His work, which is never defined, is bringing him no great benefits. It only allows him to pay a few bills, and in return, he is poisoned by it. कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन थर्ड पैराग्राफ में ऑथर कुछ ऐसा लिखते हैं कि लॉड्स ऑफ फॉक लिव ऑन दर विथ्स लेक्चरर्स लिस्पर्स लूजर्स लॉबलॉली मैन लाउस दे डोंट एंड एस पॉपर्स तो यहां पर हम लोग पहले दो पैराग्राफ में तो देख रहे थे कि ऑथर बता रहे कि कैसे वो पॉइजनड है अपने लाइफ में अपने काम के वजह से कैसे फ्रस्ट्रेटेड हैं और कैसे है उनका जॉब जो बहुत मॉनोटनस है उसका लाइफ को पॉइजन कर रहे हैं तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में कि कैसे कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं बिना ऐसा रेगुलर जॉब के भी और वो अपने विट का इस्तेमाल करके सर्वाइव कर रहे हैं और वो इतने गरीब भी नहीं है अपने लाइफ को ठीक ठाक जी जी पा रहे हैं तो इन द थर्ड स्टैंड ही स्पेक्यूलेट्स ऑन वॉट इज वट इट वुड बी लाइक टू लिव एज सम अदर्स टू ऑन देयर विट्स तो विट्स का मतलब मैंने पहले भी समझा है इट्स शेयर इंटेलिजेंस Or in a quirky way the following lines insert a number of the examples of people that Larkin sees as living off their wits rather than depend, depending on poisonous work. He includes lecturers who use their brains and passion to make money. Then there are lispers or people who have lisps. He feels as if they need to work even harder than those without lips to secure work. He goes on to refer to Lozel's or worthless people who have no redeemable character traits. There are also loblolly men and louts. There are clown and drunken people. Just as in the first two lines, he looks to this group as examples of those who worse than him but still managed to get by without the weight of the poisonous toad. The use of alliteration in these lines unites the different types of people. It connects them through the second and visual on the page. So Joby कैटेगरी ऑफ पीपल को देख पा रहे हैं आप नोटिस करोगे कि सबका वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है और बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं एलिटरेशन और हम लोग ये भी जान पा रहे हैं कि कैसे ऑथर कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली अपने लाइफ को और एक दूसरे कैटेगरी ऑफ पीपल के लाइफ से जो इतना नहीं कमाते हैं या ठीक ठाक कमा भी लेते हैं लेकिन उनकी तरह उनका लाइफ इतना मोनाटस और बोरिंग नहीं है आ जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ में जहाँ पे बताया गया है कि लॉर्ड ऑफ फॉल्स लिव अ प्लेन्स विथ फायर्स इन अ बकेट विंड फॉल्स एंड टिन सरडाइंस दे सिम टू लाइक इट तो इस पैराग्राफ को समझ में समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली यहां पर एक दूसरे कैटेगरी ऑफ पीपल से कंपेयर किया है ऑथर ने लाइफ को अपने तो यहां पर बताया जा रहा है कि लार्किन स्पीकर प्रेजेंट्स ए फ्यू एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु डू नॉट वरी अबाउट मेंटेनिंग कंस्टेंट वर्क इन देयर लाइफ्स देर आर मेनी पीपल ही थिंग्स हु लिव अप लेंस विथ फिलअप फिल फायर इन बकेट तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेंस में रहते हैं गरीब हैं जिन लोग का अपना खुद का घर नहीं होता है वो अपने आप को वार्म रखने के लिए क्या करते हैं बकेट्स में फायर चला के रात को रहते हैं फ्रॉम द स्पीकरस परस्पेक्टिव दिस पीपल ऑल दो दे आर विदाउट होम और डिपेंडेबल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड देयर फॉर फूड आर हैप्पी

This time the speaker focuses on that happy carefree bunch, the rural poor and the homeless. The fog in this example live up lanes. In the context, lanes are small roads or pathways. We are not talking big tree lined main street here. These little lanes are completely opposite. Perhaps some of these fogs are even homeless, hitting themselves in front of fires in buckets, eating fruit knocked out of trees by the wind and the occasional can of sardines. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पैराग्राफ नाउ जहां पे बताया गया है कि देर निपर्स हैव गॉट बैर फीट देर अनस्पीकेबल वाइव्स आर स्की एस विपर्स एंड येट नो वन एक्चुअली स्टाफ्स सो बेसिकली दिक्थ पैराग्राफ इज एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ पैराग्राफ जहां पे उन कैटेगरी ऑफ पीपल के बारे में बताया जा रहा है जो लेंस में रहते हैं और जो अपने को warm रखने के लिए buckets में फायर चलाते हैं और खाना में क्या खाते हैं वो लोग सार्डिनस खाते हैं सार्डिनस बेसिकली एक फिश होता है टैंड फूड होता है तो यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो बच्चे हैं वो नंगे पैर दौड़ते हैं और उनके जो वाइफ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैल न्यूट्रीटेड है और बहुत ही अनस्पीकेबल हैं और बहुत ही स्कीनी है लेकिन कोई भी यू you नो know, खाना ना मिलने की वजह से मरता नहीं है नो वन एक्चुअली स्टाफ्स तो इन द फिफ्थ टैंजा वी ड्वेल्व डीपर इं टू द लाइंस ऑफ दोज Falk live up lanes. Their nippers, basically nippers ka matlab kya? The kids of those people who are living in the lanes run around with bare feet, presumably because they can't afford shoes. Their wives are in such bad shape that the speaker describes them as unspeakable. The only detail he offers is that they are skinny. Apparently, the windfall fruit and sardine diet doesn't actually pack on the pounds. How skinny are they? Well, Larkin uses a smi smile to get that point across. They are skinny as whippets. A whippets? Hai? a whippet? Is a super skinny dog breed similar to a greyhound. Families so poor that they can't afford shoes or enough food doesn't seem like very good images. But in the speaker, but the speaker always looking on the bright side ends the stanza by pointing out that as bad as all this seems, this fox managed to get by without suffering the indignity of work. सो so, जो सिक्स पैराग्राफ है वही वो पैराग्राफ है जो जून 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन में पूछा गया था एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस आह वेर आई करेजियस इनाफ टू शाउट स्टाफ योर पेंशन बट आई नो ऑल टू वेल दैट्स द स्टाफ दैट ड्रीम्स आर मेड ऑन तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो सिक्स पैराग्राफ में क्या हो रहा है ही सीम्स टू नो दैट फॉर हिम दैट काइंड ऑफ एक्शन इज जस्ट अ फैंटसी अ ड्रीम समथिंग he knows just isn't going to happen and what is not going to happen ki wo apna job quit nahi kar sakta theek hai wo to shout stuff your pension but he knows he doesn't in the case of toads the speaker suddenly understands that while a work free life is nice to fantasize about in reality it just isn't in the cards by making a connection between the ideas and emotions in this Modern poem and the ideas and emotions in one of Shakespeare's plays, Larkin is able to create a sense of universality and timelessness. There is a connection between our time and the past. The problem of a work dominated existence and the associated loss of freedom becomes simultaneously the speaker's issue and an issue we all face and have faced stretching back to Shakespeare and his characters. This connection gives some emotional weight and resonance to the ideas. बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि काश वो इतने करेजियस होते हैं कि अपने जो ऑनर हैं या जो उनके सुपरवाइजर है उनको बोल पाते या उन पर चिल्ला पाते कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए एंड यू कीप योर पेंशन विथ योर सेल्फ बट उन्हें भी डीप इनसाइड ये पता है कि ये जॉब उनके लिए जरूरी है टू मेंटेन द सोसाइटल ऑब्लिकेशन्स एंड हिज लाइफ ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि सेवेंथ पैराग्राफ में क्या बताया गया है फॉर समथिंग sufficiently टोड लाइक स्क्वाट्स इन मी टू इट हंकर्स आर हैवी एज हार्ड लक एंड कोल्ड एज स्नो तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर स्टैंडा है जहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि मतलब पोइट एक्चुअली यहाँ पे दो टोड्स के बारे में बता रेंगी कोशिश कर रहे हैं एक तो हो गया एक्सटर्नल टोड जो कि एक्चुअली सोसाइटल ऑब्लीगेशन है और वॉक के साथ कनेक्श कनेक्ट किया है पोर्ट पोइट ने और दूसरा जो इंटरनल है वो इंटरनल टोड क्या है दैट एग्जिस्ट इन द ऑथर हिमसेल्फ वो क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरनली वो अपने साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं अपने साथ यू नो ही इज लाइक मैसिंग अराउंड विथ हिमसेल्फ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर भी एक टोड है जो ये सब करने से उनको रोक रहा है तो इस पैराग्राफ के और डिटेल से समझते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट स्पीकर हैजन ज्वाइन द मैरी रैंक्स ऑफ द जॉबलेस इट टर्न्स आउट दैट द रीजन फॉर हिज conformity गो बियॉन्ड एक्सटर्नल सोसाइटल expectations. वर्क इज अ काइंड ऑफ सोसाइटल obligation और ड्यूटी इट्स what एक्सपेक्टेड ऑफ us. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि यहाँ पे दो टोट के बारे में बताया गया है पहला टोट जो है वो एक्सटर्नल है और बेसिकली ये सोसाइटल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है सो नॉट ओनली does द स्पीकर हैव फिजिकल

सर्टन सेंस ऑफ ऑब्लीगेशन ऑफ ड्यूटी विच किप्स हिम फ्रॉम टर्निंग इज बैक ऑन वर्क एट पैराग्राफ्स गो समथिंग लाइक दिस एंड विल नेवर अलाउ मी टू ब्लर्नी माई वे ऑफ गेटिंग द फेम एंड द गर्ल एंड द मनी ऑल एट वन सेटिंग सो अगेन दिस पैराग्राफ इज एक् बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द सेवन पैराग्राफ जहां पर इंटरनल टोड के बारे में बताया गया है तो यह बताया जा रहा है कि जो इंटरनल टोड है इट विल नेवर अलाउ हिम टू क्विट ठीक है वो जो इंटरनल टोड उनको परेशान कर रहा है दैट इज द सोसाइटल ऑब्लिकेशन वो कभी उनको छोड़ने नहीं देगा अपना जॉब तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे समझना है कि द कंस्ट्रेन दैट ही इज हैविंग इज द इनर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी द इनर टोड प्रिवेंट्स द स्पीकर फ्रॉम अचीविंग द इनर टोड मेक्स द स्पीकर अनएबल टू ब्लार्नी अब ब्लार्नी का मतलब क्या है पर ठीक है स्वीट टॉक और चार्म हिज वे टू द थिंग्स ही वांस व्हाट ही वांस आर द बिग थ्री अब ये थ्री किसको नहीं चाहिए गाइज फेम लव एंड मनी तो यही बात जो है ऑथर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज वो विदाउट अपना जॉब छोड़े नहीं पा सकते हैं फेम लव और मनी मे बी दिस इंटरनल टोड लाइक क्वालिटी एज समथिंग टू डू विद द सेंस ऑफ ऑनेस्टी इट लुक्स लाइक दिस ऑल इज कमिंग डाउन टू नाइस गाइज फिनिश लास्ट काइंड ऑफ एंडिंग वर्क हार्ड कीप योर नोज टू द ग्रीन स्टोन टू द राइट थिंग एंड योर रिवॉर्ड विल बी द लाइफ फिल्ड विथ वेट फॉर इट हार्ड वर्क एंड द लिटिल एल्स सो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आ जाते हैं यहां पे बताया गया है कि आई डोंट से वन बॉड इज द अदर वन स्पिरिचुअल ट्रूथ बट आई डू से इट्स हार्ड टू लूज इद वैन यू हैव बोथ तो ये पैराग्राफ अगर आप ठीक से पढ़ोगे इट्स द पोएम्स फाइनल स्टैंडा द स्पीकर कंसिडर्स वॉट हिज अप अगेंस्ट लिविंग ए टूल टूर्ड लाइफ ही इज नॉट से इंग द इंटरनल टोर्ड द पर्सनल सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ड्यूटी और ऑनेस्टी क्रिएट्स द एक्सटर्नल टोर्ड ठीक है

द पर्सनल सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ड्यूटी और ऑनेस्टी वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है लेकिन उन लोगों का को ही उनके लिए उनका लाइफ हार्ड कर रहा है बेसिकली ठीक है अगर आप पूछो कि मॉरल ऑफ द पॉइम क्या है और ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है तो ये बताया जा सकता है कि वर्क इज अ वेरी हार्ड थिंग टू गेट आउट ऑफ टू स्टीयर क्लियर ऑफ टोर्ड्स ये जो टोर्ड्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल टोर्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ कनेक्टेड है और रिलेटेड है है इसलिए ये पॉइम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज वी कैन सीरियसली कनेक्ट टू दिस पोएम और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है गाइस क्योंकि इससे एक सवाल पूछा गया है, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और जो पैराग्राफ पूछा गया था दैट वॉज द सिक्स पैराग्राफ जो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत तो मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ तो पैराग्राफ कुछ ऐसा है कि आह वेर आई करेजियस इनाफ टू शाउट स्टाफ योर पैनशन बट आई नो ऑल टू वेल दैट्स द स्टाफ द ड्रीम्स आर मेड ऑन

कहां पे कमेंट पार्ट में तो कमेंट पार्ट में आपको इलाबोरेट करना है और थोड़ा बहुत आप एक्सटेंड कर सकते हो आपका एक्सप्लेनेशन बिकॉज ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग फॉर टेन मार्क्स सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट हियर एंड यू हैव टू स्टार्ट आउट समथिंग लाइक दिस दैट हियर द स्पीकर विशेस ही दर्ज टू टेक सम एक्शन ही विशेस टू हैर द गर्ट्स टू टेल द बॉस टू गो जंप इन ए लेग

19 term and examination. In case if you have any other doubts regarding this poem or any other poem, then you can do contact us by commenting below. And in case you need the PDF or the entire summary of this poem, then you can see in the description, uh, I have given a link of a Facebook page where you can see our rest of the videos and also you can download the summary of this entire poem that I have discussed just now. So, also do consider to subscribe our channel and do share it with your friends. Till then, God bless you and thank you all.